पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजमाता के 13वीं के बाद विश्राम गृह पहुंचे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है, किसानों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो जैसे गांजा अफीम की खेती कर रहे हैं। कई ऐसे वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा में किसानों के साथ किए थे, शराबबंदी और 2 साल के बोनस के साथ किसानों को 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य देने को कहा था। वहीं प्रदेश में अब नक्सली भी सिर उठाने लगे हैं, जिससे प्रदेश में अपराध भी बढ़ गया है। बीडीपी युवाओं की बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने जैसे कई मुद्दों पर विधानसभा सदन में आवाज उठाने की तैयारी में है। पीड़ा हुई, किसान को चोर समझा गया, पुलिस जाके उनके यहाँ छापा मारा है जैसे कोई अफीम गांजा या भांग की खेती कर रहा हो। इस प्रकार से पहली बार 15 साल में मैं मुख्यमंत्री रहा, मैं किसान इतना प्रताड़ित पहली बार दिखा कि उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे जब अपने धान बेचने गया और वापस लौटाया गया। सिवनी मालवा में खून से